जो लोग अल्लाह को तकलीफ देते हैं और रसूल को तकलीफ देते हैं, लानहुमुल्लाहु फिद्दुनिया वल आखिरा, उनके ऊपर अल्लाह की लानत बरसती है दुनिया में भी और आखिरत में। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्लला ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما محترم حاضرين الجمعة اس وقت पूरी दुनिया में एक मसला बहुत ज़्यादा बहस का मौजू बना हुआ है और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया हर जगह इस मसले पर अपने अपने अंदाज में लोग बहस कर रहे हैं और वो मसला है अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन का, जो वाकया फ्रांस के अंदर पिछले दिनों पेश आया और एक टीचर ने अपने स्टूडेंट को जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून दिखाए और उन्हीं स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट ने उसको कत्ल कर दिया, अल्लाह के रसूल की तौहीन और आपके उस कार्टून, आपके नाम से बनाए गए उस कार्टून को देख करके उस तालिबे इल्म ने, उस स्टूडेंट ने अपने टीचर को जब कत्ल कर दिया तो फिर ये पूरे फ्रांस में बल्कि पूरी दुनिया में ये मौजू बहुत गर्म हो गया। फिर फ्रांस के राष्ट्रपति ने, फ्रांस के सदर ने भी ये बयान दिया कि हमारे मुल्क में इजहार राय की आज़ादी है, हमारे मुल्क में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हमारे मुल्क में अगर कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कार्टून बनाता है हम उसको रोक नहीं सकते। तो उसके बाद फिर पूरी दुनिया में मुसलमानों की तरफ से खास तौर से एक कैंपेन चलाया गया कि फ्रांस का बाइकॉट करो और फ्रांस का जो सदर है मैक्रोन, उसकी तस्वीरों के, उसके पुतले जलाए गए, उसकी तस्वीरों को जगह जगह जमीन पर लगा करके पैरों तले रौंदा गया, ये बताने के लिए कि हमारे जज्बात को ठेस पहुंची। सबसे पहला सवाल तो यही है कि ये जो वाकयात आए दिन होते हैं अल्लाह के रसूल की तौहीन के, आपके जो कार्टून बनाए जाते हैं या आपको बुरा भला कहा जाता है, गालियां दी जाती, ऐसा क्यों होता है? एक तो जाहिरी शक्ल हमारे सामने होती है कि फला ने कार्टून बनाया, फला ने ऐसा किया, लेकिन इस तरीके के वाकयात के पीछे दरअसल बड़ी प्लानिंग होती है।
बहुत सारे मुल्कों के, बहुत सारे इलाकों के अपने पॉलिटिकल एजेंडे होते हैं, अपनी सियासत चमकानी होती है, अपने मुल्क के अहम मुद्दों से अपनी आवाम की तवज्जो भटका करके दूसरी तरफ लोगों का रुख मोड़ना होता है। एक मकसद तो ये होता है, और फिर एक मकसद ये भी होता है कि मुसलमानों को इस तरीके की हरकतें करके भड़काया जाए, फिर मुसलमानों की तरफ से जो रिएक्शन आए उसको लेकर के मुसलमानों को और इस्लाम को पूरी दुनिया में बदनाम किया जाए। तो पहली बात तो आप ये याद रखें कि हमें सिर्फ जोश और जज्बात से काम नहीं लेना है, हमें होश व हवास से भी काम लेना है। यकीनन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अपनी जान से ज्यादा प्यारे हैं। अल्लाह ताला ने सूरह अहज़ाब के अंदर फरमाया, अन नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसहिम, नबी की जात ईमान वालों की जान से ज्यादा उनको प्यारी होनी चाहिए। अब जाहिर है कि जब हमें अपनी जान से ज्यादा अपने नबी प्यारे हैं तो नबी की तौहीन तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। भाई मोहब्बत का एक तकाजा होता है, मोहब्बत गैरत चाहती है। हम अपनी मां से मोहब्बत करते हैं, हमारी मां को कोई गाली दे दे हम बर्दाश्त नहीं करते। हम अपने बाप से मोहब्बत करते हैं, हमारे बाप पर कोई कीचड़ उछाले हमें तैश आ जाता है। और जाहिर है कि हमें अपने नबी से जो मोहब्बत है वो अपनी मां से, अपने बाप से, बल्कि अपनी जान से भी बढ़ के होनी चाहिए। बड़ी मशहूर आयत है सूरह तौबा की आयत नंबर 24, आपने तकरीरों में, जुमा के खुतबों में कई मर्तबा सुनी होगी। अल्लाह ताला ने ईमान वालों को 8 चीजों का जिक्र करके कहा कि इन 8 चीजों से बढ़कर के तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत होनी चाहिए। कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इखवानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक्तरफ्तुमुहा व तिजारतुन तख्शौन कसादहा व मसाकिन तरदौनहा, तुम्हें अपने अल्लाह से और अपने रसूल से जो मोहब्बत होनी चाहिए वो बाप से बढ़कर के होनी चाहिए, औलाद से बढ़कर के होनी चाहिए, भाइयों से बढ़कर के होनी चाहिए, बीवियों से बढ़कर के होनी चाहिए, खानदान और कबीले से ज्यादा होनी चाहिए, माल से ज्यादा होनी चाहिए, तिजारत से ज्यादा होनी चाहिए, और अपने घर बार से भी ज्यादा होनी चाहिए। अगर ज्यादा नहीं है तो तुम अल्लाह के अजाब का इंतजार करो। तो यकीनन हम अपने रसूल की तौहीन बर्दाश्त तो नहीं कर सकते, और रसूल के ऊपर कोई हमला करे, रसूल की तौहीन करे, तो हमारी यह भी जिम्मेदारी है कि हम अपने रसूल का डिफेंस करें, अपने रसूल का दिफा करें। अल्लाह ताला ने सूरह आराफ के अंदर अल्लाह के नबी के ताल्लुक से जो हुकूक बताए हैं उम्मत के ऊपर, उसमें से एक हक ये भी है, फल्लज़ीन आमनू बिही वअज़्ज़रूहु वनसरूहु वत्तबउ नूर अल्लज़ी उन्ज़िला माहू उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। जो लोग नबी पर ईमान लाए, जिन्होंने नबी का एहतराम किया और जिन्होंने नबी की मदद की और जिन्होंने नबी के साथ नाजिल होने वाले नूर की यानी शरीयत की, इस्लाम की पैरवी की, वही लोग कामयाब होने वाले। तो जाहिर है कि नबी की मदद करना, नबी का दिफा करना, अल्लाह के नबी के सहाबा में आप देखें, गजवे बद्र का वो मंजर आप याद करें, दो बच्चे हैं 10-12 साल के, उन्होंने आकर के हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ से पूछा कि अबू जहल कहां है। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ कहते, मैंने पूछा भाई तुम्हें अबू जहल से क्या काम है। कहा कि मैंने, हमने सुना है कि वो अल्लाह के रसूल को गाली देता है, बुरा भला कहता है, आज हमारी तलवार उसका खात्मा करेगी। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रिवायत करते हैं, बुखारी के अल्फाज हैं, कहते मैंने इशारा किया, देखो वो अबू जहल जा रहा है। कहते अभी मैंने इशारा किया है कि दोनों बाज की तरह झपटे हैं, और पल भर में उन्होंने अबू जहल को ला करके जमीन पे, यानी अपनी तलवार से उसको जमीन पे ला दिया। हालांकि अबू जहल मरा नहीं था, बाद में मरा, लेकिन सोचें आप कि सहाबा के बच्चों के अंदर भी अपने नबी की नामूस और अपने नबी की इज्जत और अपने नबी की इस्मत के दिफा का जज्बा था। तो ये जज्बा तो बहरहाल हमारे ईमान का एक तकाजा है, और एक्सप्रेशन की का फ्रीडम, इजहार राय की आजादी, यकीनन इस्लाम उसका उसके खिलाफ नहीं है, मगर इजहार राय की आजादी का मतलब ये नहीं कि आप अल्लाह को गाली दें, आप रसूल को गाली दें। हमारे मुल्क में बड़ी आजादी है, लेकिन मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ फेसबुक की पोस्ट कोई कर दे तो देशद्रोह का मुकदमा हो जाता है, किसी स्टेट के सीएम के खिलाफ कोई बयान दे दे तो केस हो जाता है। जाहिर है कि किसी मुल्क का वजीर, किसी इलाके का सीएम और किसी हुकूमत का हुक्मरान, उसका अपना एक स्टेटस है, अपना एक मर्तबा है,
और दुनिया के करोड़ों मुसलमानों की नजर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मर्तबा है वो दुनिया के अल्लाह के सारे बंदों में सबसे बड़ा मर्तबा हमारे रसूल का है। मैंने जो आयत आपके सामने पढ़ी है खुतबे मसनूना के बाद, ये सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 40 है, और ये आयत जो है ये कुरान करीम की उन आयतों में से है जहां अल्लाह ताला ने अपने रसूल का नाम लिया है। पूरे कुरान में अल्लाह ताला ने चार जगह अपने रसूल का नाम मोहम्मद लिया है और एक जगह अहमद लिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन पांच जगहों में से एक जगह यह है सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 40। इससे पहले कि मैं इस आयत को आपके सामने पढ़ूं, इसका पहले बैकग्राउंड समझ लो कि ये आयत किस मौके पर नाज़िल हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा को पाला था, ये पकड़ करके कहीं गुलाम बना करके लाए, गुलाम थे नहीं लेकिन इनको किसी ने पकड़ करके गुलाम बना लिया और ये अल्लाह के रसूल के पास लाए गए। अल्लाह के रसूल ने अपने बेटे की तरह इनको पाला, इनको एडॉप्ट किया, इनको गोद ले लिया। अब अरब में ये दस्तूर था कि अगर कोई किसी को गोद ले ले तो वो उसका सगा बेटा माना जाता है, उसकी वल्दियत में उसी का नाम जोड़ा जाता है। अगर मान लीजिए कि उसके बाप का नाम अब्दुल्ला है तो बाप का नाम अब्दुल्ला नहीं बोला जाएगा, जिसने पाला है उसका नाम लिया जाएगा। ये अरब का दस्तूर था। तो हजरत ज़ैद रजी अल्लाह तआला को जब अल्लाह के नबी ने पाला और वो जवान हो गए तो अब लोग उनको ज़ैद इब्ने हारिसा नहीं कहते थे, ज़ैद इब्ने मोहम्मद कहते थे, अल्लाह के रसूल का बेटा कहते थे। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत ज़ैद की शादी हजरत ज़ैनब से हुई। शादी निब नहीं सकी दोनों मियां बीवी में, खटपट होने लगी, फिर मामला तलाक तक पहुंच गया, तलाक हो गई। अब अल्लाह ताला ने अपने रसूल को हुक्म दिया कि आप हजरत ज़ैनब से शादी कर ले, और यही वजह है कि हजरत ज़ैनब का जो निकाह है, उलमा कहते हैं कि ये सातों आसमान के ऊपर हुआ है, अल्लाह ताला की तरफ से ये निकाह हुआ है। इसलिए कि अल्लाह ने कुरान में कहा कि ज़व्वज ना कहा, हमने ज़ैनब का निकाह आपसे कराया। जब ज़ैद ने तलाक दे दी और इद्दत पूरी हो गई तो हमने ज़ैनब का निकाह आपसे कराया। इसलिए कहा जाता है कि हजरत ज़ैनब का निकाह सातों आसमान के ऊपर हुआ। तो जब ये शादी हो गई तो अब मक्के के अंदर एक बात ये उड़ाई जाने लगी, ये मदीना के अंदर एक बात ये उड़ाई जाने लगी मुनाफिकीन की तरफ से कि भाई ये तो अपनी बहू से इन्होंने निकाह कर लिया, जिस बेटे को इन्होंने पाला था उसी बेटे की मुतल्लका बीवी से इन्होंने निकाह कर लिया। तब अल्लाह ताला ने वो आयतें नाजिल की कि ये दस्तूर तुम्हारा दौरे जाहिलियत का दस्तूर था, इस्लाम इस दस्तूर को खत्म करता है। किसी को पाल लेने से, किसी की परवरिश कर लेने से उसकी वल्दियत चेंज नहीं हो जाती, और इसीलिए इस्लाम की सख्ती के साथ ये तालीम है कि कभी भी कोई अगर किसी बच्चे को पाले तो वल्दियत में हमेशा उसके असल बाप का नाम लिया। वल्दियत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वल्दियत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस्लाम में नसब की बड़ी अहमियत है, कोई अपने बाप की जगह किसी और का नाम अपने नाम के साथ जोड़े, इस्लाम ने कतान इस बात की इजाजत नहीं दी। तो अल्लाह ताला ने उसूल बनाया, रूल बनाया कि तबन्नी से, एडॉप्शन से, बच्चे को गोद ले लेने से वो तुम्हारा बेटा नहीं हो जाता। अब उसके बाद ये आयत नाजिल हुई, जरा इस आयत पर गौर करें। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से, तुम्हारे मर्दों में किसी के बाप नहीं है, वो किसी मर्द के बाप नहीं है। उनके बच्चे हुए कासिम हुए, तय्यब हुए, ताहिर हुए, हजरत खदीजा के पेट से, हजरत मारिया के पेट से इब्राहिम हुए, चार बेटे हुए अल्लाह के रसूल के, मगर चारों बचपन में इंतकाल कर गए। अल्लाह के रसूल का कोई बेटा मर्द नहीं हुआ, जवान नहीं हुआ। अरबी में रिजाल रजुल की जमा है, रजुल के माने जो जवान हो जाए, मर्द हो, उसको रजुल कहा। तो अल्लाह ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में किसी के बाप नहीं। तो क्या है वो, अब उनकी हैसियत बताई जा रही है। वला के रसूल अल्लाह, बल्कि वो अल्लाह के रसूल हैं, वखातमन नबीयीन, और वो आखिरी नबी हैं, वो नबियों के ऊपर मुहर लगाने वाले हैं। उनके आने से नबूवत की मुहर खत्म हो चुकी है, नबूवत का सिलसिला खत्म हो चुका है। उनके बाद अब दुनिया में कोई नबी आने वाला नहीं, कोई रसूल आने वाला नहीं। वकान अल्लाह बिकुल शैइन अलीमा, और अल्लाह ताला को हर चीज का अच्छी तरीके से इल्म है। अब जब ये आखिरी नबी है तो इन्होंने अगर ये फैसला कर दिया कि किसी की परवरिश कर लेने से वो तुम्हारा सगा बेटा नहीं हो जाता तो तुमको ये कानून मानना पड़ेगा, क्योंकि ये अल्लाह के नबी और आखिरी नबी हैं। अब इनका फैसला कोई मनसूख नहीं कर सकता। इस आयत करीमा को समझने के लिए सही बुखारी और सही मुस्लिम की वो हदीस अपने सामने रखी। अल्लाह के प्यारे नबी कहते हैं कि मेरी मिसाल और मुझसे पहले जितने नबी आए उनकी मिसाल
उस इंसान की तरह है जिसने घर बनाया और वो घर बड़ा ही खूबसूरत बनाया, फअहसनहु व अजमलहु, बड़ा बेहतरीन घर बनाया, पूरा घर कंप्लीट कर दिया, इल्ला मौज़िअ लबनतिन मिन ज़ावियतिन, मगर उस घर में एक कोने में एक ईंट की जगह बाकी छोड़ दी। अब लोग आ रहे हैं, पूरे घर का जायजा ले रहे हैं, कह रहे भाई मकान तो बहुत अच्छा बना है, यहां एक ईंट की कमी है, ये ईंट अगर आ जाए तो मकान कंप्लीट हो जाए। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, फअना तिलकल लबिना, वो एक ईंट जो नबुवत के मकान में, जिसके बगैर नबुवत की इमारत इनकम्प्लीट है, वो ईंट मैं हूं, वो आना खातमुन नबीयीन, मैं आखिरी नबी हूं। ये हमारे नबी का मकाम है, आप आखिरी नबी हैं, आपके बाद दुनिया में कोई नबी नहीं आ सकता, मोहर लग गई। अब कोई नबी अपने आप को कहेगा वो झूठा है, कज़्ज़ाब है। इसीलिए सही मुस्लिम की हदीस में अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे 6 चीजें ऐसी दी जो मुझसे पहले किसी को नहीं दी गई, मुझे 6 स्पेशल चीजें मिली हैं, मुझे 6 ऐसी चीजें मिली हैं जो दुनिया में किसी को नहीं मिली। कौन सी 6 चीजें हैं? नंबर 1, उती तो जवामी अल कलिम, अल्लाह ताला ने मुझे जवामी उल कलिम से नवाजा है, मेरी जुबान से निकलने वाले अल्फाज बड़े जामे होते हैं, मुख्तसर सी बातों के अंदर मानी का एक पूरा दरिया होता है। अल्लाह के रसूल की हदीसों को आप देखें, छोटी छोटी हदीसें हैं, बच्चों को आप याद करा दें, पढ़ने में आसान है, मगर वो हदीसें अपने अंदर माना और मतलब, उलमा ने एक एक हदीस पर सौ सौ हजार हजार पेज की किताबें लिख दी। अल्लाह ने अपने नबी को जवाम उल कलिम दिया। और दूसरी स्पेशलिटी, वनुसिर तो बिर्रोबी, और अल्लाह ताला ने मेरी मदद की है रोबो दबदबा के जरिए, मेरे दुश्मन के दिल में अल्लाह ताला ने मेरा रोबो दबदबा डाल दिया है। वो ओहिल्लत ली अल गनाइम, और अल्लाह ताला ने मेरे लिए माल गनीमत को हलाल कर दिया है। दुश्मन से लड़ाई के दौरान दुश्मन का जो माल है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आपकी शरीयत में उसको हलाल किया गया, पहले के नबियों के दौर में माल गनीमत हलाल नहीं था, उसको इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता था, वो हासिल होता था उसको रख दिया जाता था और आसमान से एक आग आती थी और वो गायब हो जाता था। ये तरीका था कि वो माल गनीमत अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया, मगर शरीयत इस्लामिया में, अल्लाह के नबी की शरीयत में माल गनीमत को यूज करने की, उसको इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई। और चौथी खासियत, वजुइलत लिल अर्ज़ु तहूरन व मस्जिदा, और अल्लाह ताला ने मेरे लिए पूरी जमीन को मस्जिद बनाया है। दुनिया के किसी इलाके में चले जाओ, मस्जिद नहीं है आपके ऊपर, नमाज माफ नहीं है, जमीन में कहीं भी पाक जमीन है आप नमाज पढ़ सकते हैं, मुसल्ला नहीं है चादर बिछा लें, चादर भी नहीं जमीन पर पढ़ लें आप, नमाज हो जाएगी आपकी अगर जमीन पाक है। पूरी जमीन मेरे लिए मस्जिद है और पूरी जमीन मेरे लिए पाक है, पानी नहीं है कहीं की भी मिट्टी, पाक जगह की मिट्टी आप उठा ले, तयम्मुम कर ले, आप नमाज पढ़ सकते हैं। उसके बाद फरमाया पांचवी चीज, वो उर्सिल तो इलल खल्की काफा, और अल्लाह ताला ने मुझे सारी मखलूकात का रसूल बनाया है, सारी दुनिया का रसूल बनाया है, मैं सिर्फ अरब का रसूल नहीं हूं, सारी दुनिया का रसूल। और आखिरी खुसूसियत से अल्लाह ने मुझे नवाजा, वह खुतिम बिन नबियून, अल्लाह ताला ने नबियों का सिलसिला मेरे ऊपर खत्म कर दिया। तो ये हमारे नबी है मेरे प्यारे भाइयों, हमारे नबी का मकाम और मर्तबा हम बयान करते करते मर जाए हम बयान नहीं कर सकते। अना सय्यदु वलद आदम यौम अल कयाम, अल्लाह के नबी फरमाते हैं सही मुस्लिम के अल्फाज कि मैं कयामत के दिन तमाम औलाद आदम का सरदार रहूंगा, वह अव्वल मन यनशक्कु अन्हुल कब्र, और कयामत के दिन सबसे पहले मैं अपनी कब्र से निकलूंगा, वह अव्वल शाफईन वह अव्वल मुशफईन, और कयामत के दिन सबसे पहले मैं शफात करूंगा और सबसे पहले मेरी शफात अल्लाह की बारगाह में कबूल की जाए। मैदान महशर में लोग परेशान होंगे, अल्लाह ताला गजबनाक होगा, गुस्से में होगा, और सारी दुनिया सारी मखलूक परेशान होगी, लोग हजरत आदम के पास, इब्राहिम के पास, नूह अलैहिस्सलाम के पास, मूसा अलैहिस्सलाम के पास, ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे कि आप जरा अल्लाह के बारगाह में शफात कर दें हमारी। सारे नबी इनकार कर देंगे, मेरी मजाल नहीं, मैं अल्लाह की बारगाह में आज बात कर सकूं, अल्लाह बहुत गुस्से में, अल्लाह बहुत नाराज है। अल्लाह के प्यारे नबी उस मौके पर, अल्लाह अकबर, आपकी शान देखें आप, अल्लाह के नबी फरमाते बुखारी और मुस्लिम के अल्फाज हैं, फअंतलिकु मैं चलूंगा, फआती तहतल अर्श मैं अल्लाह के अर्श के नीचे आऊंगा, फअकउ साजिदन लिरब्बी और मैं अपने रब के लिए सजदे में गिर जाऊंगा, फयफ्तहु अल्लाह अलैय मिन महामिदिही अल्लाह ताला मेरे ऊपर अपनी तारीफ और अपनी हम्द व सना के ऐसे अल्फाज और ऐसे कलमात अल्लाह ताला मेरे दिल में डालेगा जो मुझसे पहले किसी के लिए नहीं डालेगा, अल्लाह की ऐसी तारीफ मैं करूंगा जो आज तक किसी ने नहीं की।
फिर कहा जाएगा या मोहम्मद इरफा रासक, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर उठाइए, आप शफात कीजिए, आपकी शफात कबूल की जाएगी। सल तोता, आप मांगिए आपको दिया जाएगा। ये हमारे नबी की शान है। सूरज पर थूकने वाला अपने चेहरे को आलूदा करता है, चांद में ऐब निकालने वाला अपनी अपनी तबीयत और अपने अंदर का खुब्स जाहिर करता है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हमला करने वाला, आपकी तौहीन करने वाला, आपको गाली देने वाला कल भी और आज भी जलील है, जलील था और जलील रहेगा। और यह बात याद रखो कि नबी को तकलीफ पहुंचाने वाला, नबी की हयात में भी और नबी की वफात के बाद भी नबी को तकलीफ पहुंचाने वाला दुनिया में भी बड़े बुरे अंजाम से बचा। अल्लाह ने फरमाया सूरह अहज़ाब के अंदर, इन्नल्लज़ीना युज़ून अल्लाह व रसूलहू, जो लोग अल्लाह को तकलीफ देते हैं और रसूल को तकलीफ देते हैं, लअनहुमुल्लाहु फिद्दुनिया वल आखिरा, उनके ऊपर अल्लाह की लानत बरसती है दुनिया में भी और आखिरत में भी, व अअद्द लहुम अज़ाबम मुहीना, और अल्लाह ने उनके लिए बड़ा जलील करने वाला अजाब तैयार करके रखा है। बहुत बड़ा बादशाह था, ईरान का बादशाह था, क्या नाम था उसका, खुसरू परवेज। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया के बाद अपने दौर के बड़े बड़े बादशाहों को खतूत लिखे थे, इस्लाम की दावत दी थी। उन खतूत में आपने खत ईरान के बादशाह खुसरू परवेज को भी लिखा था, वो खत आज भी मौजूद है। अल्लाह ताला की तौफीक से आज भी वो खत मौजूद है दुनिया के अंदर, उसकी कॉपी मौजूद है उस खत की। उस खत में अल्लाह के नबी ने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम मिन मोहम्मद रसूलुल्लाह इला अजीम फारस, पहले आपने बिस्मिल्लाह लिखा, 786 नहीं लिखा आपने, हालांकि ये डर था कि खत की तौहीन हो सकती है, आपने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लिखा, जो आज एक दलील दी जाती है, भाई बिस्मिल्लाह मत लिखो तौहीन हो जाएगी, 786 लिख दो, ये बड़ी गलत बात है मेरे भाइयों। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का कोई बदल नहीं हो सकता, नबी ने अपने लेटर्स में बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लिखा। उसके बाद आपने लिखा कि ये खत है मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से ईरान के बादशाह के नाम। उसके बाद आपने उस खत में लिखा कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, सारी दुनिया के लिए मुझे रसूल बना करके भेजा गया, असलिम तस्लम, तुम इस्लाम ले आओ तुम अल्लाह के अजाब से बच जाओ, और तुम इस्लाम नहीं लाए तो पूरे मजूसियों का गुनाह तुम्हारे सर पे होगा। ये खत, चूंकि वो तो ईरान का बादशाह और अरबी तो नहीं जानता था, उसके उसके दरबार में जब हजरत अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफ़ा सहमी रजी अल्लाह तआला ने ये खत लेकर के पहुंचे, और जब ट्रांसलेटर की मदद से ये खत पढ़ा गया तो ईरान का बादशाह जो जमाने की सुपर पावर थी गुस्से से कांपने लगा, कहा कि अरब का हिजाज का एक रहने वाला इंसान इस दौर की सुपर पावर और इस दौर के बादशाह से पहले उसने अपना नाम लिखा। उसने फौरन खत लिखा अपने गवर्नर को, जो यमन में उसका गवर्नर था जिसका नाम बाजान था, उसने बाजान को खत लिखा कि जाओ और दो पहलवानों को भेजो मक्के के अंदर, मदीना के अंदर, मदीना के अंदर अपने दो पहलवानों को, बड़े बड़े ताकतवर लोगों को भेजो, और इस नबी को जो अपने आप को नबी कहता गिरफ्तार करके मेरे सामने। हजरत अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफ़ा सहमी रजी अल्लाह तआला मायूस होकर के वहां से चले आए, और जब किसरा का ये पैगाम बाजान के पास पहुंचा तो उसने अल्लाह के नबी के पास दो पहलवानों को भेजा। अल्लाह के नबी को खबर लग चुकी थी, हजरत अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफ़ा ने पैगाम भिजवा दिया था, ईरान के बादशाह ने आपका लेटर फाड़ दिया और आपको गिरफ्तार करने का उसने हुक्म भिजवाया। अल्लाह के नबी की जुबान से पहला जो जुमला निकला था, जब आपने सुना कि उसने मेरा लेटर फाड़ दिया है, मेरा खत फाड़ दिया, आपने कहा मज़्ज़क़हुल्लाहु कुल्ल मुमज़्ज़क़, उसने मेरे खत को फाड़ा, अल्लाह उसकी हुकूमत को तहस नहस कर देगा, उसको जमीन से सफ़े हस्ती से मिटा देगा। और आप आगे आपने यह भी फरमाया, इज़ा हलका किसरा फला किसरा बादहु, ये किसरा जब खत्म हो जाएगा अब किसरा इसके बाद आने वाला नहीं है। अब जब कैसर खत्म हो जाएगा, रोम, उस जमाने की दो बड़ी बड़ी सुपर पावर थी, रोमन एम्पायर और पर्शियन अंपायर, ईरान का जो बादशाह होता था उसको किसरा कहा जाता था और रूम का जो बादशाह होता था उसको कैसर कहा जाता था। कहा कि कैसर खत्म हो जाएगा तो दूसरा कोई कैसर नहीं आएगा, किसरा खत्म हो जाएगा दूसरा कोई किसरा नहीं आएगा। अल्लाह के नबी ने फौरन ये पेशन गोई कर दी, और जब बाजान के दोनों पहलवान आए, अल्लाह के नबी ने कहा मैं कल तुम्हें जवाब दूंगा। जब वो अगले दिन आए, अल्लाह के नबी ने कहा जाओ तुम्हारा बादशाह दुनिया से जा चुका है। उसके घर में बगावत हो गई और उसके अपने बेटे ने, जिसका नाम शिरवह था, उसने खुसरू परवेज को कत्ल कर दिया।
और उसकी हुकूमत तहस नहस हो गई। और चंद सालों के बाद हजरत उमर फारूक के दौर में जब हजरत साद इब्न अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अपनी फौज लेकर के किसरा में पहुंचे, तो उस वक्त जो बादशाह था किसरा, जो ईरान का बादशाह था, यजदगर्द जिसका नाम था, वो मैदान छोड़ के भाग गया और उसी किसरा के महल में मेंबर रखा गया और जुमा की नमाज अदा की गई और मुसलमानों ने उस महल के अंदर नमाज अदा की। ये है अल्लाह के रसूल की तौहीन करने वालों का अंजाम। ये उनकी हुकूमतें खत्म हो गई। किसी ने तसव्वुर नहीं किया था कि ईरान की इतनी बड़ी अंपायर, इतनी बड़ी हुकूमत खत्म हो सकती है। नबी की तौहीन करने वालों का ये अंजाम हुआ है। हमें यकीन है मेरे भाइयों, इन्ना कफ़ईना कल मुस्तहज़ईन, अल्लाह ने वादा किया ऐ मेरे नबी तेरा मजाक उड़ाने वालों के लिए हम काफी हैं, उनसे इंतकाम लेने के लिए हम काफी हैं। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, ऐ नबी अल्लाह तुम्हें बचाएगा लोगों से। और हमें तो इस बात का यकीन है कि ये जो जितने तौहीन के वाकयात हो रहे हैं, ये बौखलाहट है दुनिया की। आप इंटरनेट के सर्वेस देखें, रिपोर्ट्स देखें आप, और ये मेरी अपनी बनाई हुई रिपोर्ट्स नहीं है, टेलीग्राफ की रिपोर्ट है, यूरोपियन मैगजीन्स की रिपोर्ट है कि दुनिया में सबसे तेजी से कबूल किया जाने वाला अगर कोई मजहब है तो वो इस्लाम है। इतनी नफरत फैलाई जा रही है, इतने कार्टून बनाए जा रहे हैं, इतने मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगंडे हो रहे हैं, मगर अल्लाह ताला के फजलो करम से इस्लाम दिन ब दिन फैल रहा है। युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाह वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, ये चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपनी फूकों से बुझा दें, फूकों से ये चराग बुझाया ना जाएगा। अल्लाह इस चराग का मुहाफिज है। अल्लाह के नबी को गालियां दे करके और इस्लाम को बुरा भला कह करके इस्लाम खत्म नहीं हो सकता है मेरे। और आखिर में मैं यही कहूंगा कि हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी नहीं कि हम फ्रांस का बाइकॉट करने की कैंपेन चलाएं, हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी नहीं कि हम अपने व्हाट्सएप और अपने फेसबुक के ऊपर हम आई लव मोहम्मद, वी लव मोहम्मद, वी लव प्रॉफिट मोहम्मद इसके कैंपेन चलाएं। बस इतने से काम नहीं चलने वाला है। आज दुनिया की एक बड़ी आबादी इस्लाम को, हमारे कैरेक्टर देख करके इस्लाम को समझती, वो कुरान नहीं पढ़ती, वो हदीस नहीं पढ़ती, वो रसूल की सीरत नहीं पढ़ती, वो हमें और आपको पढ़ती है, वो हमारे कैरेक्टर से इस्लाम का अंदाजा लगाती है। मेरे भाइयों, अल्लाह ने अपने नबी को उसवे हसना करार दिया है। उस नबी से मोहब्बत के दावेदार आज हम सारे मुसलमान उस नबी से मोहब्बत का दावा करते हैं और अपने अपने तरीके से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, मगर हकीकत में उस नबी से मोहब्बत का तकाजा यह है कि उस नबी की सीरत पर हम चलने वाले बन जाए। और इस बात का यकीन रखें कि उस नबी की तौहीन करने वाले को आज नहीं कल अल्लाह ताला उसके अंजाम तक पहुंचाएगा। किसी जमाने में किसी ने कहा था, ऐ मोहम्मद तेरा तो कोई बच्चा नहीं है, तेरी तो कोई नस्ल, तेरी नस्ल नहीं चलने वाली है, तेरा तेरा कोई बेटा नहीं, तेरी तो नस्ल खत्म हो जाएगी, तू तो बेनामो निशान है। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। नबी को इतना गलत जुमला कहा, अल्लाह को गुस्सा आया, अल्लाह ने सूरह कौसर की आयतें नाजिल कर दी, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। ऐ नबी, आप अबतर नहीं है, आपकी नस्ल खत्म नहीं हो रही है, आप बेनामो निशान है, आपका दुश्मन बेनामो निशान। अल्लाह की एक हिकमत थी, अल्लाह ने अपने नबी को कोई औलाद नरीना से नहीं नवाजा, उसमें अल्लाह ताला की बहुत सारी हिकमतें थी, मगर क्या नबी के जाने के बाद नबी का नाम दुनिया से चला गया? नहीं। इंसान का नाम उसकी औलाद से नहीं चलता है मेरे भाइयों, इंसान का नाम उसके किरदार से चलता है। बड़े बड़े उलमा हैं, बड़े बड़े अइम्मा हैं, बड़े बड़े मुहद्दिसीन हैं, उनकी औलादों को आज कोई नहीं जानता, उनकी किताबें आज भी पढ़ी जा रही हैं, उनके कारनामे आज भी याद रखे जाते हैं। इंसान की पहचान उसके कारनामे से होती। और मेरे नबी की शान तो ये है, हसान इब्ने साबित कहते हैं, वज़म्मल इलाहु उस्मुहु मअस्मिही इज़ा क़ाल अल मुअज़्ज़िनु फिल खम्स अशहदु। अरे मेरे नबी की शान तो ये है कि मुअज़्ज़िन जब अज़ान में अशहदु कहता है तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ साथ जब तक वो अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह न कह दे उसकी अज़ान मुकम्मल नहीं है। अल्लाह ने अशहदों के जरिए नबी के नाम को अपने नाम के साथ जोड़ दिया है। ये मेरे नबी की शान है मेरे भाइयों। आइए हम अल्लाह से दुआ करें, रब्बुल आलमीन हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना पर चलने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन उन तमाम कोशिशों को, उन तमाम साजिशों को नाकाम कर दे जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार पर उंगलियां उठा रही हैं। अल्लाह ताला उनको उनके अंजाम तक पहुंचा दे। रब्बुल आलमीन हमारे जानो माल की, हमारे इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए। हमारे मुल्क में अभी आप देखें वबा और बीमारी खत्म नहीं हो रही, अभी भी बहुत सारे इलाकों में बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं और परेशानी बरकरार है, और मुल्क की मईशत की, मुल्क के कारोबार की, मुल्क की इक्तसादी हालत जो है इसी वजह से सही नहीं हो पा रही। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला इन
तमाम परेशानियों से हम सब की हिफाजत फरमाए, हर किस्म की वबा से हम सबको महफूज रखे। हम में से जो लोग बीमार हैं अल्लाह उनको शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए। हमारे रोजी रोटी में, हमारे कारोबार में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। जब तक दुनिया में जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे, और खात्मा हम सबका ईमान पर हो। वा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।